माननीय सदस्य प्लीज, गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूँ सर? तरीका ठीक सर, कहाँ रखूँ? यहाँ रख दूँ सर? आप यहाँ मत, यहाँ रख देता हूँ सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपके आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत, अहिंसा मतलब। और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में तीन फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा, बिकॉज ऑफ इट। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस्ट नहीं पहुंचे सर, मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए।
ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, माननीय अध्यक्ष जी शोर शराबा कर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। अगर आप शिवजी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। स्पीकर सर, कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। प्लीज प्लीज सर, कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान, सर क्या रूलिंग, मेरा व्यवस्था का सवाल है।
सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ठीक है सर, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही किताब राम भगवान की जन्मभूमि ने, अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले। नो, सब चले। नो, आपने बताया था नियम। नो, माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर, ये ऑफ हो। प्लीज माने बैठिए, प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रह पूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो, प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के, प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का, संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सर, मेरा, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई यह है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम पे आधा आधा पेड़ आएगा क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा, बताइए ये हुआ क्या? बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको शर्म करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो, मुझे बोलना है जो बोलना है।
मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया, उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, तीन बार इन्होंने कहा कि तीन बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, दो बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। सर क्या है, माने प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट माने प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना, ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले, आप व्यक्तिगत रूप से